वेलकम टू यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इस नई वीडियो में, जहाँ पे मैं अंशु आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर, जो कि आपके इंग्लिश स्पीकिंग लेवल को इंक्रीज करेगा एंड दैट विल मेक यू अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफी ज्यादा लर्नेबल होने वाली है आप सभी लोगों के लिए जो चाहते हैं अपनी इंग्लिश को बेटर करना और अच्छी इंग्लिश बोलना। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आज आप लोग सीखने वाले हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश लेवल को इंक्रीज करेगा। चलिए नजर डालते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में कौन कौन से स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं आज के हमारे स्ट्रक्चर को। तो आज हम इस वीडियो में स्ट्रक्चर जो सीखने वाले हैं वो स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला यूज है काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ का। काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ का जिसका सेंस होता है इस तरह का, ओके इस तरह का। जैसे हम बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जो हम कहते हैं मुझे इस तरह का फूल पसंद है, या फिर मुझे इस तरह के कपड़े पसंद है, मुझे इस तरह के लोग पसंद है। तो जब भी हम बात करते हैं इस तरह का, तो वहां पे हम यूज करते हैं काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ का। नेक्स्ट है डोंट लाइक शॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ। देखिए, ये इस तरह का निगेटिव फॉर्म है, मतलब कि मुझे इस तरह का नहीं पसंद है। जब हम बात करते हैं कि मुझे इस तरह के लोग नहीं पसंद है, या फिर मुझे इस तरह की मिठाई नहीं पसंद है, मुझे इस तरह का बिहेवियर पसंद नहीं है, तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि निगेटिव सेंस में कोई चीज़ मुझे नहीं पसंद है, तो वहाँ पे डोंट लाइक शॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ का यूज करते हैं। अगला हमारा आता है एज वेल एज का। आज हम इसी के साथ सीखेंगे एज वेल एज का यूज, जो कि है बहुत ही कमाल का। एज वेल एज का यूज होता है साथ ही साथ। जैसे हम जब इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि वह ईमानदार है, वह गरीब है साथ ही साथ ईमानदार है, वह टीचर है साथ ही साथ एक अच्छा डॉक्टर भी है, तो जब भी हम बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस की कि साथ ही साथ वह ये भी है, ठीक है, तो वहां पे भी हम यूज करते हैं इसका एज वेल एज का। नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है फिलहाल, ओके फॉर द टाइम बीइंग उसका मतलब होता है फिलहाल। फिलहाल वाले सेंटेंसेस यहाँ पे आपको स्पीक करने हैं। जैसे आप यहाँ पे कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप बोलेंगे फॉर द टाइम बीइंग। जैसे फिलहाल मैं, आप फिलहाल तुम यहाँ रुक सकते हो, तो वहां पे क्या यूज करेंगे फॉर द टाइम बीइंग का, ठीक है, तो फॉर द टाइम बीइंग। नेक्स्ट है डिड नॉट नॉइंगली, मतलब कोई काम जानबूझकर ना करना, ओके जैसे मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैंने जानबूझकर उसे धक्का नहीं दिया, ओके तो जब भी हम बात करते हैं कि मैंने कोई काम जानबूझकर नहीं किया या फिर जानबूझकर मुझसे नहीं हुआ, तो वहां पे हम यूज करते हैं डिड नॉट नॉइंगली का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सारे स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, जो कि काफी कमाल के हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए एंड देखते हैं आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आज का हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है वो है फर्स्ट वन शॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ का, ओके सो लेट्स लर्न। तो सबसे पहले मैं इन सारे स्ट्रक्चर को मिटा देती हूँ एंड आफ्टर दैट वी विल गो अहेड towards next। तो यहां पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ का यूज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ का यूज होता क्या है और इससे रिलेटेड सेंटेंस और स्ट्रक्चर हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के, जैसे अगर आपको कहना हुआ इस तरह के सेंटेंसेस को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको यूज क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में यूज करना है आई लाइक दिस, फिर यहाँ पे आपको यूज करना है शॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ का, फिर यहाँ पे आपको यूज कर देना है नाउन, ठीक है। ये है
आपका स्ट्रक्चर, मतलब इसी स्ट्रक्चर से सारे सेंटेंसेस आपको क्रिएट करने हैं। सबसे पहले क्या यूज करना है, आई लाइक द शॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ, फिर यहाँ पे आपको नाउन का यूज कर देना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ ना तो आपको यूज ही कर लेना है, फिर सिर्फ यहाँ पे आपको नाउन का यूज करना है। ओके, नथिंग यू हैव टू डू। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। Here is an example for you all. Example है, अगर आपको कहना हुआ मुझे इस तरह का खेल पसंद है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ का यूज क्या होता है, मतलब इस तरह, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने क्या लिया कि मुझे इस तरह का खेल पसंद है। ओके, तो अभी आप इसको कैसे क्रिएट करेंगे, यहां तक आपको लिख देना है आई लाइक द शॉर्ट ऑफ या फिर काइंड ऑफ, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा आई लाइक दिस शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट ऑफ। अभी हमारा नाउन क्या है, क्या पसंद है, खेल पसंद है, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर देंगे, गेम। ओके, आई लाइक दिस शॉर्ट ऑफ गेम, मुझे इस तरह का खेल पसंद है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आपको कहना हुआ मुझे इस तरह का मुझे इस तरह के लोग पसंद है, लोग पसंद है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, सपोज दैट कोई बहुत अच्छा इंसान है, ओके, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, उसके सारी चीजें बहुत अच्छी है, तो आप क्या बोलते हैं, मुझे इस तरह के लोग बहुत पसंद है, या फिर मुझे इस तरह के लोग पसंद है। तो कैसे बोलेंगे, सिंपली आई लाइक दिस काइंड ऑफ, क्या बोलेंगे, आई लाइक दिस काइंड ऑफ, अब क्या, लोग। ओके, आई लाइक दिस काइंड ऑफ, अब लोग मतलब पीपल, तो यहां पे हम सिंपली क्या यूज कर देंगे, पीपल। आई लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल, मुझे इस तरह के लोग पसंद है, आई लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं, और आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस को ऐसे क्रिएट करते हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में काफी हद तक स्पीक करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, ओके, ये है आज का आपका पहला स्ट्रक्चर जो कि काफी कमाल का है। तो आप इसको अपनी नोटबुक में जल्दी से लिख लीजिए ताकि आप ये भूले ना, और इस पे आप प्रैक्टिस कर सकें एंड इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में स्पीक कर सकें। बाय द वे, चलते हैं कुछ हम एग्जांपल्स की ओर, और लेते हैं कुछ एग्जांपल काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ से रिलेटेड। ओके, सो यू हैव टू, आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस। तो यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेंटेंस है वो है, जैसे अगर आपको कहना हुआ, फर्स्ट है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेंटेंस है, मुझे इस तरह का कमरा पसंद है, पसंद है, दिस इज द फर्स्ट। एंड द सेकंड इज, मुझे इस तरह के दोस्त पसंद हैं,
रंग और कलर या फिर रंग पसंद है। नेक्स्ट है मुझे इस तरह की किताब पसंद है। किताब पसंद है, मुझे इस तरह की किताब पसंद है। नेक्स्ट है मुझे इस तरह का फोन पसंद है। फोन पसंद है, ठीक है। तो ये रहे आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस सेंटेंस जिसपे आपको प्रैक्टिस करनी है। इन सारे सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में क्रिएट करना है ताकि आप अपनी इंग्लिश को बेटर कर सके और उसमें प्रैक्टिस करके इसको स्ट्रॉन्ग कर सके। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक बार सेंटेंसेस को रिपीट कर दे रही हूँ। मुझे इस तरह का कमरा पसंद है। ओके, सपोज दैट कोई कमरा है बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ है, तो आपने कहा मुझे इस तरह का कमरा पसंद है। नेक्स्ट है मुझे इस तरह के दोस्त पसंद है। नेक्स्ट है मुझे इस तरह का रंग पसंद है। नेक्स्ट है मुझे इस तरह की किताब पसंद है। मुझे इस तरह का फोन पसंद है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं बहुत ही इजीली। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ से रिलेटेड, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों ने अभी तो पॉजिटिव सेंस में काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ का यूज पढ़ा। अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं निगेटिव सेंस में, देन हाउ यू कैन यूज इट। ओके, तो निगेटिव सेंटेंस में आप इसे कैसे क्रिएट करेंगे चलिए देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ का इन द सेंस ऑफ निगेटिव। अब निगेटिव में किस तरह से यूज करेंगे, नाउ लेट्स लर्न इट। ओके, अभी यहाँ पे क्या यूज करना है आपको स्ट्रक्चर में, आई डोंट, यहाँ पे आपको यूज करना है लाइक। I do not like this. अब यहां पे आपको यूज करना है काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ। शॉर्ट ऑफ फिर यहां पे आपको यूज करना है Short of और kind of, and यहाँ पे आपको use कर देना है noun, ठीक है। ये है structure, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे don't का use कर देना है। किसका use कर देना है, don't का use कर देना है। I don't like this short of or kind of, and after that यहाँ पे आपको use कर देना है क्या, noun। सेम यहाँ पे आपको यूज करना है, ठीक है, कि यहाँ पे आपको नाउन का यूज कर देना है। ओके, तो इसका सेंस होता है नहीं पसंद है। जैसे जब हम कहते हैं मुझे इस तरह के लोग नहीं पसंद है, या फिर मुझे इस तरह का बिहेवियर पसंद नहीं है, मुझे इस तरह के बच्चे पसंद नहीं है जो गालियां देते हैं, ठीक है। तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि मुझे इस तरह की चीजें नहीं पसंद है, तो वहां पे हम स्पीक करते हैं आई डोंट लाइक दिस शॉर्ट ऑफ, ओके, और आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल से इसे समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला एग्जांपल है, इफ यू हैव टू से दैट मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं है, ठीक है, मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं है। क्या बोलेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम आई का यूज करेंगे यहाँ पे, आई डोंट
लाइक अभी क्या दिस शॉर्ट ऑफ दिस आई डोंट लाइक दिस शॉर्ट ऑफ क्या नहीं पसंद है लोग तो लोग बोले तो पीपल आई डोंट लाइक दिस शॉर्ट ऑफ पीपल मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं है जो चुगली करते हैं या फिर जिनका बिहेवियर अच्छा नहीं है मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं है ओके तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं अगला एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे अगला एग्जांपल है मुझे इस तरह का खेल पसंद नहीं है ठीक है पसंद नहीं है मुझे इस तरह का खेल पसंद नहीं है तो क्या यूज करेंगे आई डोंट यहां तक आपको लिख ही लेना है डोंट लाइक काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ एंड व्हाट खेल मतलब गेम आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ गेम ओके मुझे इस तरह का खेल पसंद नहीं है तो ये तो रहा नेगेटिव सेंस कि आप नेगेटिव में इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं बहुत ही कमाल का और बहुत ही ज्यादा यूजफुल स्ट्रक्चर है जो कि आपकी इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा काम आएगी कि मतलब मुझे इस तरह के लोग नहीं पसंद है मुझे इस तरह के लोग पसंद है आई लाइक दिस शॉर्ट ऑफ पीपल और आई लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल एंड इफ यू हैव टू से इन नेगेटिव ऑफ द सेंस देन यू कैन यूज हियर दैट आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ और आई डोंट लाइक दिस शॉर्ट ऑफ पीपल ओके I hope you got it. Now let's take some examples. Now let's take some practice sentences for you all. I hope कि आप लोगों ने इसे अपने notebook में लिख लिया है. अगर नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख लीजिए ताकि आप इसे भूले ना. Okay? So चलिए इसको write off करते हैं, erase करते हैं and आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ example इससे related. So example में बस आप बहुत ही अच्छे से हैं इससे related. So you have to just be with us. Be with me. तो यहाँ पे हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है आज का हमारा पहला जो एग्जाम्पल है जैसे if you have to say पहला प्रैक्टिस सेंटेंस है मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं है सपोज दैट किसी ने आपसे मजाक किया ठीक है जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तो आप क्या बोलते हैं मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं है ओके दोबारा से मेरे साथ इस तरह का मजाक मत करना तो ऐसा ही तो हम बोलते हैं कि मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं है नेक्स्ट है मुझे इस तरह का बर्ताव पसंद नहीं है ठीक है मुझे इस तरह का बर्ताव पसंद नहीं है कैसे बोलेंगे आपको इसे सोचना है और स्पीक करना है अपने आप से ठीक है आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है नेक्स्ट है मुझे इस तरह का पेन पसंद नहीं है ओके आप लोग लिखते रहिए ताकि आप लोग इसको छूट ना जाए ओके सो नेक्स्ट है मुझे इस तरह का खाना पसंद नहीं है
सपोज कोई आपके सामने बहुत ज्यादा ऑयली फूड रख दे, तो आप क्या बोलते हैं, मुझे इस तरह का खाना पसंद नहीं है, मैं बहुत ही सिंपल सा फूड खाता हूँ, ओके सैलेड एंड पर्ल्स एंड राइस, बट मुझे बहुत ही ज्यादा ऑयली खाना खाना पसंद नहीं है, मुझे इस तरह का खाना पसंद नहीं है, तो सिंपली आप इस तरह से इसे यूज कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं आज का हमारा, मुझे इस तरह की मूवी पसंद नहीं है, ठीक है, मतलब आपने कहा कि कोई आप मूवी देख के आया और उसके बाद ट्रेलर, आप सपोज आपका फ्रेंड कोई मूवी देख के आया, ट्रेलर बता रहा था और सारी चीजें, तो आपने कहा कि मुझे साइंस फिक्शन मूवी पसंद है या फिर इमोशनल मूवी पसंद है, मुझे इस तरह की मूवी पसंद नहीं है, ओके। तो जब भी हम बात करते हैं कि मुझे कोई चीज नहीं पसंद है, तो वहां पे हम आई डोंट लाइक दिस शॉर्ट ऑफ का यूज करते हैं, ओके। तो आई डोंट लाइक दिस शॉर्ट ऑफ का यूज करके आप सभी सबको इसे क्रिएट करना है, इन सारे सेंटेंसेस को। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर, ओके। सो यहाँ पे मैं इसे राइट ऑफ कर देती हूँ, ओके, आई एम गोइंग टू इरेज इट, बट आपको इसको लिख लेना है और इस पे प्रैक्टिस करनी है, ओके। द नेक्स्ट इज दैट, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज, अगला स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं एंड अगला हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज एज वेल एज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, स्ट्रक्चर हमारा सेकंड है, सॉरी थर्ड है, क्योंकि आपने दो स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट, ठीक है, इज एम आर का यूज करेंगे और सिंपली हम लिख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको यूज करना है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और नाउन यू कैन यूज हियर, एंड यहाँ पे आपको यूज करना है एज वेल एज, क्या यूज करेंगे, एज वेल एज, फिर यहाँ पे प्लस आप एडजेक्टिव यूज करेंगे, ठीक है। Adjective or noun, whatever. Okay. So ये रहा आपका स्ट्रक्चर आज का, ठीक है, बहुत ही कमाल का है, बहुत ही आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा स्ट्रक्चर, बट स्टिल ये बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, इज एम आर यूज करना है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जैसे आपको सब्जेक्ट होगा उस तरह से यहाँ पे आपको इज एम आर का यूज करना है, फिर यहाँ पे आपको एडजेक्टिव या फिर नाउन का यूज कर देना है जो भी होगा सेंटेंस में, एज वेल एज का यूज करेंगे, फिर यहाँ पे एडजेक्टिव, फिर और नाउन का यूज कर देंगे, ठीक है। इसका सेंस होता है जैसे जब हम बात करते हैं साथ ही साथ, ओके, जैसे अगर आपको कहना हुआ फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि वह एक्टर है साथ ही साथ एक अच्छा सिंगर है, या फिर वह गरीब है साथ ही साथ ईमानदार है, वह खूबसूरत है साथ ही साथ इंटेलिजेंट भी है, ओके, मतलब बुद्धिमान भी है। तो जब भी हम बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस की कि वह ये भी है और साथ ही साथ ये भी है, मतलब एक क्वालिटी है बट उसके साथ में एक क्वालिटी और भी है, तो वहां पे हम यूज करते हैं एज वेल एज का। कैसे यूज करेंगे चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल सपोज लिखा कि वह गरीब है साथ ही साथ ईमानदार है,
ईमान दार है, ये फिर ईमानदार भी है, ठीक है, साथ ही साथ ईमानदार है। तो कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, तो वह की इंग्लिश होती है ही के साथ क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज ही इज। अभी हमारा एडजेक्टिव क्या है कि क्या है वो, मतलब गरीब है, पहला हमारा एडजेक्टिव क्या है, गरीब है, तो गरीब बोले तो पुअर, ही इज पुअर। अब क्या यूज करेंगे, एज वेल एज, क्या यूज करेंगे, एज वेल एज, एज वेल एज। अभी क्या यूज कर रहे हैं हमारा, अब क्या हमारा एडजेक्टिव क्या है, ईमानदार, तो यहाँ पे ईमानदार के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑनेस्ट का, ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज कर दिया ऑनेस्ट, ओके। ही इज पुअर एज वेल एज ऑनेस्ट, वह गरीब है साथ ही साथ ईमानदार भी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे अगर आपको कहना हुआ वह एक एक्टर है, एक्टर है साथ ही साथ, वह एक्टर है, अब यहां पे हम यूज करेंगे, वह एक्टर है साथ ही साथ अच्छा सिंगर भी, साथ ही साथ अच्छा सिंगर भी है, अच्छा सिंगर भी है, ठीक, साथ ही साथ अच्छा सिंगर भी है। तो कैसे यूज करेंगे इसको, अभी हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, ठीक है, तो वह मतलब ही इज, अभी एडजेक्टिव क्या है हमारा, क्या है वो, एक्टर, तो एक्टर, ही इज एन एक्टर, ही इज एन एक्टर, ही इज एन एक्टर। अब क्या यूज करेंगे, एज वेल एज, ठीक है, सिंपली यहाँ पे हमने यूज कर दिया एज वेल एज, अभी क्या है, साथ ही साथ अच्छा, एक अच्छा सिंगर भी, साथ ही साथ अच्छा सिंगर भी है, ठीक है, एज वेल एज गुड सिंगर, एज वेल एज। अब यहाँ पे ही इज आपको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में लगा दिया है, सो देयर इज नो नीड टू यूज ही एंड इज and all again, okay, so you don't have to use here again and again, okay, once you have used here, so you don't have to use again, okay, so as well as a good singer, yahan pe a good singer, theek hai, to kya ho gaya, wah ek actor hai sath hi sath wah ek wah acha singer bhi hai, he is an actor as well as a good singer, he is an actor as well as a good singer। तो काफी कमाल का स्ट्रक्चर है जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा काम आएगा, काफी हद तक आपके स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करेगा। एंड आई होप गाइस कि आप लोग समझ गए हैं इसे, ठीक है, तो आप इसे इस तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए, नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम, ओके, ये प्रैक्टिस टाइम है, प्रैक्टिस सेंटेंस प्रोवाइड करने का टाइम है, तो मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेंटेंस इससे रिलेटेड लेके आई हूँ, तो नाउ लेट्स टेक सम प्रैक्टिस सेंटेंस जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश को बेटर कर सके और उस पर आप प्रैक्टिस कर सके, अच्छे से उसे इसको यूज कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, एंड सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ, आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो नहीं लिखा है तो आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेंटेंस लेते हैं कुछ, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। सो हियर इज सम प्रैक्टिस सेंटेंस इज, पहला जो हमारा प्रैक्टिस सेंटेंस है वो है, वह
खूबसूरत है, साथ ही साथ बुद्धिमान भी। बुद्धिमान भी है, बुद्धिमान भी है, ठीक है। तो वह खूबसूरत है, साथ ही साथ बुद्धिमान भी है। नेक्स्ट है, वह डॉक्टर है, डॉक्टर है, साथ ही साथ, साथ ही साथ टीचर भी, टीचर भी है, ठीक। वह डॉक्टर है, साथ ही साथ टीचर भी। नेक्स्ट है, आप अच्छे हैं, साथ ही साथ समझदार भी हैं, साथ ही साथ समझदार भी हैं, ठीक है। आप अच्छे हैं, साथ ही साथ समझदार भी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मतलब कि वो अच्छे भी होते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं अच्छे हैं मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होंगे या फिर ज़्यादा अच्छे बुद्धिमान नहीं होंगे या फिर समझदार नहीं होंगे। तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं, आप अच्छे भी हैं साथ ही साथ समझदार भी हैं कि हाँ चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वह अमीर है, अमीर है, साथ ही साथ दयालु भी है, दयालु भी है, ठीक है। वह अमीर है, साथ ही साथ दयालु भी है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिच होते हैं बट वो अंदर से बहुत ही ज्यादा ईगो वाले होते हैं, तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं कि वह आप अमीर हैं साथ ही साथ दयालु भी हैं, या फिर आप अमीर हैं वह अमीर है साथ ही साथ क्या है, दयालु है, ठीक है। नेक्स्ट है, वह एक नेता है, नेता है, साथ ही साथ अच्छा इंसान भी है, ठीक है। तो ये रहा आज का आपका प्रैक्टिस सेंटेंस। अब जैसे बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे पॉलिटिशियन होते हैं जो कि मतलब नहीं समझते हैं लोगों की भावनाओं को, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं कि इनमें इंसानियत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन होते हैं जो समझते हैं लोगों को, तो क्या बोलते हैं कि आप एक नेता तो हैं लेकिन साथ ही साथ आप एक अच्छे इंसान भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, वह चोर है लेकिन साथ ही साथ वह क्या है, एक अच्छा इंसान है, ठीक है। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं, इस पर प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और स्ट्रक्चर, बढ़ते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। सो आई होप दैट यू गॉट इट, एंड आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो इसको आप जल्दी से लिख लीजिए ताकि आप इसको इंग्लिश में क्रिएट कर सके। So here is the let's move ahead towards next. आगे बढ़ते हैं हमारे अगले structure की ओर and देखते हैं आज का हमारा अगला structure जो कि काफी कमाल का है।
अगला हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है The next structure which I am going to provide you today, and the structure is यहाँ पे हमारा अगला structure है for the time being का. ठीक है, कौन सा structure पढ़ने वाले हैं? For the time being का. अभी आपको करना क्या है? For the time being का मतलब होता है फिलहाल. ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या use करेंगे? यहाँ पे हम हमें use करना है any sentence, any sentence use कर देना है. any मतलब कोई भी sentence यहाँ पे use करना है. and यहाँ पे उसके बाद use करना है आपको for the time being. क्या use कर देना है? for the time being. this is the structure. okay, क्या यूज करने हैं? सबसे पहले एनी सेंटेंसेस, यहाँ पे आप कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं, एनी सेंटेंस. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज हियर फॉर द टाइम बीइंग. यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग लास्टली आपको यूज करना है. इसका मतलब होता है फिलहाल. इसका मतलब क्या होता है? फिलहाल. अब जैसे अगर आपको कहना हुआ फिलहाल आप यहाँ रुक सकते हैं, फिलहाल आप जा सकते हैं, या फिर फिलहाल आप ये ले सकते हैं, फिलहाल मैं घर जा रहा हूँ, फिलहाल मुझे जाना चाहिए. तो जब भी हम बात करते हैं फिलहाल वाले सेंटेंसेस को, तो वहां पे हम यूज करते हैं फॉर द टाइम बीइंग का. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. चलिए कुछ एग्जांपल्स से इसे समझते हैं अच्छे से. तो यहाँ पे हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो है फिलहाल आप यहां रुक सकते हैं. ओके, जैसे सपोज कोई अनजान व्यक्ति है, ओके, मतलब बहुत ज्यादा मतलब हेल्पलेस है और उसे नहीं मिल रहा है कोई चीज स्टे करने के लिए, तो आपने कहा ओके कोई बात नहीं, आप सपोज आप रूम लेके रह रहे हैं या फिर ऐसा कि आपके पास आया हो हेल्प मांगने के लिए, तो आपने कहा ओके कोई बात नहीं है, फिलहाल आप आज यहाँ पे रह सकते हैं. ठीक है, फिलहाल आज आप यहाँ पे रह सकते हैं. तो कैसे बोलेंगे? यहाँ पे सबसे पहले हमारा सेंटेंस क्या है? आप यहाँ पे रुक सकते हैं. देखिए, आप एनी सेंटेंस आप फॉर द टाइम बीइंग आप पहले यूज कर सकते हैं या बाद में भी यूज कर सकते हैं, सेंटेंस आप इधर उधर कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज क्या करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ रुक सकते हैं. तो कैसे यूज करेंगे? यू कैन स्टे हियर. ठीक है, यू कैन स्टे हियर. अभी क्या यूज करते हैं? सिंपली फॉर द टाइम बीइंग. फिलहाल का मतलब क्या होता है? फॉर द टाइम बीइंग. तो यहाँ पे हमने यूज कर दिया फॉर द टाइम बीइंग. फॉर द टाइम बीइंग. ओके, फिलहाल आप यहाँ पे रह सकते हैं. यू कैन स्टे हियर फॉर द टाइम बीइंग. अब ऐसे कई सारे सेंटेंसेस को आप क्रिएट कर सकते हैं. फिलहाल आप ये कर सकते हैं. ओके, तो इस तरह से आपको कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट करना है. ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है फिलहाल फिलहाल मैं बाजार जा रहा हूं. ओके, फिलहाल मैं बाजार जा रहा हूँ. सपोज दैट किसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, ऐसे तो हमने कहा फिलहाल मैं बाजार जा रहा हूँ. ओके, फिलहाल तो मैं बाजार जा रहा हूँ. क्यों, आपको कहीं जाना था क्या? तो आप ऐसे बोलते हैं ना, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? फिलहाल मैं बाजार जा रहा हूँ. आप ऐसे बोलेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट. I'm going to market. Market. Up for the time being.
ड्रीम फॉर द टाइम बीइंग. आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर द टाइम बीइंग. ओके, फिलहाल मैं बाजार जा रहा हूँ. तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं. बहुत ही कमाल का है, बहुत ही अच्छा है. That it will increase your English spoken level. So you have to write it fast. Okay, आपको इसे जल्दी से लिख लेना है ताकि मैं इसे मिटा के आप लोगों को प्रैक्टिस सेंटेंस प्रोवाइड कर सकूँ. ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिलहाल आप यहाँ रुक सकते हैं. You can stay here for the time being. फिलहाल मैं बाजार जा रहा हूँ. I am going to market for the time being. Okay, for the time being. तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं. एंड आई होप गाइस कि आप लोग समझ गए होंगे. सो नाउ लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल. चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं और इसे हम पढ़ते हैं. ओके, सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे. चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं. बाय द वे, आप सब लोगों के लिए यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस है जो कि काफी कमाल का है. और प्रैक्टिस सेंटेंस है आप लोगों के लिए. So here is the practice sentence for you all. तो पहला जो practice sentence है वो है, अगर आपको कहना हुआ कि फिलहाल तुम रहने दो. ठीक है, फिलहाल फिलहाल तुम रहने दो. मैं यहां से जा रहा हूं. ओके, फिलहाल मैं यहां से जा रहा हूं. नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, फिलहाल उसे यहां जा रहा हूं. नेक्स्ट है, फिलहाल उसे यहाँ रहने दो.
तो इस तरह से आपको इन सारे के सारे सेंटेंसेस को क्रिएट करना है इंग्लिश में, इसमें प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड लेते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर जो कि काफी कमाल का है। ओके चलिए बढ़ते हैं एंड लेट्स टेक इट द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्ट्रक्चर। और अब बढ़ते हैं हम लास्ट स्ट्रक्चर की ओर जो कि काफी कमाल का और काफी ज्यादा लर्नेबल है, जो कि आपकी इंग्लिश में काफी हद तक आपको यूज करते हैं आप लोग, तो ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल का स्ट्रक्चर है। बाय द वे आज आप लोगों ने जितने भी स्ट्रक्चर पढ़े हैं दैट्स ऑल द यूजफुल एंड ऑल दैट वाज ग्रेट। ओके आज जितने भी स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़े हैं सभी के सभी बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले और डेली बेसिस स्ट्रक्चर ही थे, सो यू हैव टू जस्ट यूज इट हियर। ओके तो यहाँ पे आपको करना क्या है, हमारा अगला जो यूज है वो है नॉइंगली का। ओके किसका यूज है, नॉइंगली का। सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज करना है सब्जेक्ट। ओके सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आपको यूज करना है डिड नॉट का, तो हमने यहाँ पे यूज किया डिड नॉट का। ठीक है डिड नॉट का यूज कर दिया। यहाँ पे आपको यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अदर वर्ड एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, नॉइंगली। ओके तो यहाँ पे आपको यूज करना है नॉइंगली का। ओके तो ये तो रहा आपका यूज ऑफ नॉइंगली। इसका सेंस जो होता है दिस इज द एन। ओके दिस इज यू डोंट हैव टू यूज हियर एच, दिस इज द एन। ओके नॉइंगली इसका मतलब होता है कोई चीज जानबूझ के, जैसे अगर आपको कहना हो मैंने जानबूझ के या नहीं किया, ठीक है सपोज दैट आपसे कोई चीज टूट जाए तो आप क्या बोलते हैं, मैंने जानबूझ के इसे नहीं तोड़ा। या फिर आप तो सपोज दैट कोई ऐसा काम कर दे फिर उसके बाद आप क्या बोलते हैं, मैंने जानबूझ के या नहीं किया। कोई चीज आप गलती में फेंक दे तो आप क्या बोलते हैं, मैंने जानबूझ के नहीं फेंका। तो जब भी हम बात करते हैं कि मैंने कोई काम जानबूझ कर नहीं किया तो वहां पे हम यूज करते हैं डिड नॉट नॉइंगली का। ओके कैसे करते हैं, चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एग्जांपल है, सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है मैंने जानबूझ कर नहीं फेंका या फिर मैंने जानबूझकर नहीं किया। ओके सपोज आपसे कोई गलती हो गई, ओके अनजाने में, तो आपने क्या कहा कि मैंने जानबूझकर या नहीं किया, अनजाने में हो गई मुझसे ये गलती, अनजाने में हो गई, जानबूझकर मैंने या नहीं किया। तो कैसे बोलेंगे, देखिए सब्जेक्ट हमारा है मैंने मतलब आई, डिड नॉट did not, अभी काम क्या हो रहा है, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, I did not do, okay? तो काम क्या हो रहा है, do, I did not do knowingly, okay? या फिर मैंने यहाँ पे अगर हमने या यूज किया होता है या पे कर या ठीक है मैंने जानबूझकर या नहीं किया, तो I did not do this or it, I did not do it, अब क्या लास्ट में क्या यूज करना है, नॉइंगली, तो यहाँ पे हमने यूज कर दिया नॉइंगली। ठीक है I did not do it knowingly, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। ओके तो आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। अगला एग्जांपल है मैंने जानबूझकर नहीं खाया। ठीक है मैंने जानबूझकर नहीं खाया, सपोज दैट कोई अपने लिए खाना निकाल के रखा हो, ठीक है बट आपको बहुत ज्यादा भूख लगी थी तो आपने देखा खाना निकाला हुआ है तो मैं आपने क्या किया, खा लिया। ठीक है वन और टू बार खा लिया,
फिर वो बंदा है, सपोज आपका भाई है, आपने मेरा खाना खा लिया, तो आपने कहा कि मैंने जानबूझकर नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने सोचा कि निकाल के रखा हुआ है तो मैं खा लेता हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं खाया, मुझे नहीं पता था कि आपके लिए रखा हुआ है, तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? देखिए, सिंपली आई डिड नॉट ईट, फिर काम क्या हो रहा है, खाने का, तो खाने की इंग्लिश होती है ईट, अब जानबूझकर इसका मतलब क्या होता है, नॉट। नहीं खाया तो है ना, काफी कमाल का स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा कमाल का स्ट्रक्चर है। सो यू हैव टू वॉच इट एंड यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, आपको इसको अपने नोटबुक में जल्दी से लिख लेना है ताकि आप इसे भूल लेना, काफी कमाल का स्ट्रक्चर भी है और बहुत ज्यादा मेमोरेबल स्ट्रक्चर है। सो यू हैव टू राइट इट फास्ट, आपको जल्दी से लिख लेना है ताकि आप इसे भूल लेना और अच्छे से इसे यूज कर सके। चलिए लेते हैं कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेंटेंस है जो कि काफी कमाल कमाल के प्रैक्टिस सेंटेंस ही आई हुई है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो मैं इसे मिटाने जा रही हूँ एंड यू हैव टू जस्ट वॉच द सी द प्रैक्टिस सेंटेंस, ओके? आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेंटेंस देखना है, यू हैव टू सी इट, ओके? जानबूझकर नहीं फेंका, ओके? मैंने यह जानबूझकर नहीं फेंका, ठीक है? नेक्स्ट है, मैंने यह जानबूझकर नहीं तोड़ा, ठीक है? मैंने यह जानबूझकर नहीं तोड़ा। नेक्स्ट है, उसने जानबूझकर जानबूझकर नहीं देखा, ओके? उसने जानबूझकर नहीं देखा या फिर उसने यह जानबूझकर नहीं देखा, उसने यह जानबूझकर नहीं देखा, ओके? अनजाने में देख लिया, ठीक है? नेक्स्ट है, मैं जानबूझकर जानबूझकर वहां नहीं गया, ओके? मैं जानबूझकर वहां नहीं गया, उसने फोर्स किया उसके बाद मैं गया, मैं जानबूझकर नहीं गया, अगर मुझे पता होता कि वहां पे ये है तो मैं नहीं जाता, ठीक है? तो ऐसे बहुत ऐसे केसेस होती हैं जब आप इस तरह के सेंटेंसेस को स्पीक करते हैं, ठीक है? मैं जानबूझकर वहां नहीं गया। नेक्स्ट है, मैंने जानबूझकर फोन नहीं तोड़ा, ठीक है? तो ये रहे आज आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस जो कि काफी कमाल की प्रैक्टिस सेंटेंस है और जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश स्पोकन स्किल को इंक्रीज कर सकते हैं और एक बेटर इंग्लिश बोल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को जो एग्जांपल है वो एक बार स्पीक कर देती हूँ। मैंने यह जानबूझकर नहीं फेंका,
मैंने यह जानबूझकर नहीं तोड़ा, उसने यह जानबूझकर नहीं देखा, मैंने जानबूझकर मैं जानबूझकर वहां नहीं गया। एंड नेक्स्ट है आपका, मैंने जानबूझकर फोन नहीं तोड़ा। तो ये रहा आपके कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस जिससे आपको प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंसेस को क्रिएट करना है ताकि आप उसे प्रैक्टिस कर सकें और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकें। सो आई होप गाइस आपने आज जितने भी स्ट्रक्चर पढ़े हैं वो सारे स्ट्रक्चर आपको समझ में आए होंगे। एंड सो यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी ताकि वो भी इस वीडियो से लर्न कर सके। एंड ड्रॉप द कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल टाइम। हैव अ गुड टाइम।